सब्सक्राइब करें ग्लोबल चक्र न्यूज चैनल को और लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। शिवसेना अवजड़ वाहतुक सेना नेता इंद्रपाल सिंह मारवा सत्ती हाल ही में माहुल और आसपास के इलाके के दौरे पर थे, जहां उन्होंने वाहतुकदारों को होने वाली परेशानियों का जायजा लिया। यहां के वाहतुकदारों को होने वाली कुछ परेशानियों को देखा और उनको हल करने के लिए प्रशासन व संबंधित विभाग को पत्र देने की बात कही। इसके बावजूद यदि समस्या हल नहीं होती है तो वह आंदोलन भी कर सकते हैं, ऐसी चेतावनी उन्होंने दी। सर्वे करने आए कि शिवसेना अवजड़ वाहतुक थाने की जवाबदारी है, जब वो स्थानिक लोग रहते हो या स्थानिक स्कूल हो या हमारे लोग हो या चालक हो, जिनको भी तकलीफ हो रही है, बहुत कंप्लेंट हमारे पास आई है। ये मैं आपके माध्यम से और विजय टैंक को बताना चाहता हूँ और बोलना चाहता हूँ, अगर ये चीज़ चार दिन में पूरी कंप्लीट नहीं होती तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। HPSL में एक भी गाड़ी हम घुसने नहीं देंगे और विजय टैंक के भी कायदे से कार्रवाई करवाएंगे, FIR करवाएंगे और हम एक दो दिन के अंदर उनको लेटर देने वाले हैं। उस लेटर के बाद उनको नहीं मिलते, हमारे से मीटिंग नहीं करते तो दोबारा ये गलती यहाँ नहीं होनी चाहिए, बहुत बड़ी गलती है और इस पर हम लोग मोर्चा लेने वाले बुधवार के पहला। मैसूर कॉलोनी मोनोरेल स्टेशन के पास सड़क खोद दिए गए हैं, लेकिन कई महीने से मरम्मत नहीं हो रही है, जिससे यहाँ जाम लग जाता है और साथ ही कई परेशानियाँ होने की भी जानकारी उन्हें मिली। बच्चे जाते हैं और ये तो पुलर टेलर लेके ऐसे रातों रात आके लोग आना ऑफिशियली करके लेके जाते हैं, ना कोई प्रशासन को मालूम रहता है ना किसको मालूम रहते, ऐसा अनऑफिशियली करके लेके जाते हैं। कंप्लेंट तो अभी करना ही हम लोग को मालूम क्या, जब रात में आए जब हम लोग देखे जब ये जा रहे थे टेलर उस टाइम हम लोग को मालूम पड़ा, उसके बाद में हम लोग का मुंबई अध्यक्ष है सचिव है इनको में पता के रखा है, तो उसके हिसाब से अभी हम लोग कार्रवाई चालू करें। छोटे छोटे बच्चे लोग आते हैं और एक डेढ़ महीने से खोद के रखा है और ये BMC और यहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर है ये दोनों मिलके ये काम किया है और यहाँ मैसूर कॉलोनी मोनोरेल स्टेशन भी है और जो पैसेंजर है उनके लिए भी प्रॉब्लम हो रहा है। बारिश का टाइम है, ये अभी तक बना रहे नहीं है, काम करने के बहाने सब माल डाला है पर कुछ काम नहीं कर रहे। ये विजय टैंक और HPCL जो कंपनी है इनका कोई ट्रांसपोर्टर नहीं किया हुआ काम है और ये अभी तक रेक्टिफाई नहीं कर रहे, ये जल्दी से जल्दी करे नहीं तो हम लोग इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। सर माझं नाव उमेश नेटर आहे, मी इथेच माऊलमध्ये राहतो, गेल्या 2 वर्षापासून बघतोय, इकडनं रात्रीची लाईट नसते कोणी नसतं, इकडं इतके अंधार असतो रात्रीचा, महिला जात नाही कोणी जात नाही, सर्वजण घाबरतात इकडे, इतके मुलं खराब येऊन बसतात, टपोरी मुलं येऊन बसतात सर्व, आणि इथे भानगडी मारामाऱ्या प्रत्येकाच्या चालू असतात नेहमी। मी नेहमी जातो येतो रात्रीचं काम करते फक्त तो नेहमी इथे हालत बेकार असते आणि गेल्या 2 महिन्यापासून हा रस्ता उकरून ठेवला, या रस्त्याचा कोणी जबाबदारच नाही असं वाटते मला। या रस्त्यावरती ब्लॉक पडले तिथं बघू शकता तुम्ही, इतके खड्डे पडलेत मोठे मोठे, समोरच्या इथं जे मैसूरमध्ये ते मुलं MSFचे काम करतात रात्रीचं इथं राहतात, त्यांनाही अनेक वेळा त्रास दिलेला इथल्या मुलांनी, याची जबाबदारी कोणी घ्यायची नाही, सरकारने नाही घ्यायची का, इथं लाईट नाही काय नाही कुठली व्यवस्था नसते काही नसते, प्रत्येक स्टेशनला तुम्ही जा खाली पूर्ण अंधेरा असतो, अंधेरा इथं सर्व लपडेवाले येऊन बसतात, लव मॅरेजवाले इथे इकडे लव पॉईंट केलं आहे का प्रत्येकाने इथे। हमारे जो महाराष्ट्र के अध्यक्ष शिवसेना अवजड वाहतूक सेना के माननीय श्री इंद्रजीत सिंह बल साहब, उनके पास एक 15 दिन पहले कुछ कंप्लेंट आई थी, विजय टैंक करके कंपनी है कॉन्ट्रैक्टर है उनके द्वारा और HPSL जो मेन कंपनी है बड़ी उनके द्वारा, उनका कुछ बड़ा ट्रक है 60 फुट का 70 फुट का 50 इंच का, उसमें कुछ खराबी आ गई थी, वो ट्रक को यहाँ से निकालने के लिए यहाँ पे रोड को खोदा गया। अभी आप देख सकते हो मेरे पीछे जो रोड है ये पूरा अभी बन रहा है, ये कम से कम 500 फुट लंबा रोड है, ये पूरा बन रहा है अभी। इस रोड को रातों रात खोद दिया विदाउट परमिशन, इसमें ना BMC को जानकारी है, ना PWD डिपार्टमेंट को जानकारी है, ना स्थानिक ट्रैफिक पुलिस स्टेशन को जानकारी है, ना स्थानिक सिटी पुलिस को, ना किसी को जानकारी होते हुए रोड खोदा गया और अभी इसको बनाने का काम कर रहे हैं। तो बाजू में यहाँ स्कूल है जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, अभी ये खड्डा 5-5 फुट का खड्डा तो अभी भरा इन्होंने, तो हमारी 2 बार बात हुई उनसे कंपनी के लोगों से, बोला हम भरेंगे। तो मेरा ये कहना है ये रोड इतना लंबा रोड गवर्नमेंट का पक्का रोड जिसको ब्लॉक लगे थे, ब्लॉक सब पड़े देखो यहाँ पे, वो ब्लॉक लगे वो ब्लॉक को निकाल के रोड को पूरा खोदते हैं एक प्राइवेट कंपनी, तो गवर्नमेंट का है, प्रशासक का है और BMC का है। इसी प्रकार माहुल के एजिस कंपनी के यहाँ वाहतुकदारों को होने वाली समस्याओं के बारे में भी उन्होंने जानकारी दी। यहाँ पे काफी सालों से घपला चल रहा है, जो हमारे शिवसेना अवजड़ वाहतूक सेना महाराष्ट्र के अध्यक्ष बल साहब, वो खुद एक ट्रांसपोर्टर है, हमारे से काफ़ी लोग जो ट्रांसपोर्टर है वो सबके पास कोई ना कोई कंप्लेंट आती रहती है, हमारे अध्यक्ष बहुत कंप्लेंट है ट्रांसपोर्टरों की, यहाँ पे खुलेआम इजीस के अंदर लूटा जा रहा है। अभी देखिए गाड़ियाँ खड़ी है,
ये गाड़ी अंदर जा रही है किक करके, इनसे 1000 रुपये गाड़ी पर लिया जा रहा दादागिरी करके, और इनके साथ एक कैलेंडर आना जरूरी है ऐसा बोलते हैं। पूरे इंडिया में वो भी जहाँ सेंटर है कहीं पे कैलेंडर अलाउड नहीं है, पर इन लोग यहाँ पे कैलेंडर बिना गाड़ी अंदर आने थे और एक कैलेंडर से 500 रुपये लेते हैं। प्लस अंदर जाने के बाद मीटर नहीं, अंदर कितना माल भरा क्या है कुछ पता नहीं, जो हिसाब से आता है वो लिख के डालते हो, उतना पैसा इनको देना पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि अंदर खुले हम दादागिरी चल रही है, एजी सोलो की कोई सुनवाई नहीं होती। प्लस इतनी बड़ी केमिकल फैक्ट्री है, इसमें गैस और दुनिया भर का केमिकल है, जहर वाला केमिकल एकदम जहर वाला, वो अंदर जो टैंकर खाली होते हैं केमिकल के भरते हैं, भरने को जाते हैं, जो उसमें ऑलरेडी केमिकल रहता है पहले से, वो केमिकल इनको बाहर जाके सफाई करके अंदर टैंकर लाना चाहिए। पर इजीस वाले ये पूरा केमिकल अंदर जो समुंदर है उसके अंदर ही धो के टैंकर वही खाली करते हैं, वो पूरा केमिकल समुंदर में जाता है, जो अंदर मछली है और सब है उनमें केमिकल जाके मछली मरती है और पूरा पोल्यूशन खराब होता है। जो हवा समुंदर के अंदर जो केमिकल मिक्स होता है वही पानी में हवा जो होती है ठंडी है वो हवा लोगों को भी होती है। प्लस ये जो हमारे कोली समाज के लोग हैं माहौल गांव में, वो सब मछियारे ज़्यादातर, और वो वही तालाबों में के मछली पकड़ते हैं, और जो मछली पकड़ के वो बेचते हैं खुद खाते हैं, वो केमिकल जो उसमें जाता है वो जहर ही होता है एक तरफ से। ये आप समझ सकते हैं, इसका मतलब ये है कि वो खाने में जहर ये इजिस की तरफ से आ रहा है, जो समुद्र में केमिकल फेंकते हैं उससे जहर जो फैलता है वो मछली में होता है। माहौल की इन सभी समस्याओं पर इंद्रपाल सिंह सत्ती ने प्रशासन को पत्र देकर सुलझाने की मांग की है, नहीं तो वह आंदोलन को भी तैयार हैं। हमारा यहाँ आने का कारण यही है, इतनी बारिश में भी कि यहाँ पे खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है, अंदर 1000 रुपये लिया जा रहा है विदाउट कोई इंफॉर्मेशन, ट्रक वाले आते 1000 रुपये लोग गाड़ी मिल जाएगी बिना काटे के, वहाँ कोई काटा नहीं लगा कुछ नहीं है किलोमीटर का, उनको जो मर्जी है वो करते हैं स्टेशन के अंदर। इनको चेतावनी देने अगर ये गुंडागर्दी और दादागिरी बंद नहीं करेंगे, हम 2 दिन बाद लेटर देने वाले कल के कल, अगर उस लेटर के ऊपर रिप्लाई नहीं आएगा, हमारे जो महाराष्ट्र के अध्यक्ष शिवसेना उधर वातु सेना के महाराष्ट्र अध्यक्ष माननीय श्री इंद्रजीत सिंह बल साहब उनके द्वारा ये मोर्चा लिया जाएगा, उनका पत्र हम कल देने वाले हैं। अगर इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की और हमको कुछ रिप्लाई नहीं दिया तो और मीटिंग नहीं ली हमारे साथ, तो हम लोग बुधवार को यहाँ पे पूरे शिवसैनिक और शिवसेना उधर वातु सेना के लोग खड़े होंगे और यहाँ पे हम लोग धरना देने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे खुलेआम जो आता वही करते हैं, विजय टैंक पहले रोड खोद दिया गया, वहाँ लोग मर रहे हैं गिर रहे हैं, पब्लिक को तकलीफ हो रही है, पर कोई सुनवाई नहीं है। ये शिवसेना अफजल वाहतूक सेना के महाराष्ट्र जनरल सेक्रेटरी होने के नाते हमारी पूरी टीम यहाँ खड़ी है, शिवसेना अफजल वाहतूक सेना की महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष उप सचिव और मुंबई उपाध्यक्ष और मुंबई जिला उप सचिव, ये स्थानीय लोग हैं जो हमारे साथ खड़े हैं। हम इन लोग सब लोग की ये जवाबदारी बनती है और जवाबदारी निभाने हम लोग यहाँ पे आए हैं, और हम आपके माध्यम से लास्ट में यही बोलेंगे, और विजय टैंक वालों ने अगर ईमानदारी से काम करके वो खत्म नहीं किया और ऐसे ही करते रहे तो शिवसेना और शिवसेना उधर वातु सेना बर्दाश्त नहीं करेगी, यहाँ पे मोर्चा होगा धरना होगा और एचपीएसएल और विजय टैंक जवाबदार होंगे। कैमरामैन रोशन गायकवाड़ के साथ संध्या श्रीवास्तव, ग्लोबल चक्र न्यूज, मुंबई। सब्सक्राइब करें ग्लोबल चक्र न्यूज चैनल को और लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं।